ये देखो दीदी के पाँव में लगी है यार। दीदी ने लिफाफा बांध के रखा हुआ है, अभी होगी दीदी को दर्द और देखना कैसे कैसे ठीक होता है ये। ये बाइक फ्रंट पे तब भी लगी रहती है, इसका ज्यादा काम है ना एंड अपने वाली का कम काम है। आज अपनी बाइक लेके जाएंगे, आज पापा वाली नहीं लेके जाएंगे। जब मेरे को दूर जाना होता है ना फिर मैं पापा की बाइक नहीं लेके जाता, उसमें मेरे को डर लगता है, उसने मेरे को बहुत दूर पहुंचाया हुआ है। वैसे भी मेरी ना राइट वाली आंख फरक रही है, तो बोलते हैं जब राइट वाली आंख फरक रही होती है ना तो कोई भी काम करना हो ना बड़े सोच समझ के करना चाहिए। पहले तो इसको कॉल स्टार्ट करता हूँ, चलो इसे स्टार्ट होने दो एंड मैं ग्लव्स डाल लेता हूँ। कहीं भी जाना हो ना तो बिना ग्लव्स के मजा नहीं आता भाई, ब्लॉगरों की यही तो पहचान है, ग्लव्स डाल के ही जाना। एंड मम्मा ने कुछ सामान दिया है, ये भाई दीदी को देना है। एंड गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शांति ब्लॉग, कैसे हो आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे एंड होने भी चाहिए। तो तेरी पापा की बाइक अंदर लगाई नहीं है यार, तो बोला ना कुछ भूल रहा हूँ मैं, कोई याद भी आ गया मेरे को। पहले गाइस पापा की बाइक अंदर तो लगाए यार, नहीं तो पापा ने बोलना अपने वाली निकाल के तो चले गए, बट मेरे वाली अंदर नहीं लगाई, मेरे वाली धूप में लगी हुई है बाहर, इसे अंदर लगा के फिर जाते हैं यार। एंड गाइस आज का ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट भाई दिन में और धूप बहुत ज्यादा है, मेरे को पड़ गई है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या पड़ी है भाई, कल ना दीदी वॉक करने गए थे, उनका पाँव ना उल्टा पड़ गया यार, तो भाई एक्सरे तो करवाया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आपको पता ना कभी कभी मसल क्रैम्प हो जाते हैं, उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा पेन होती है और कल से उनको स्वेलिंग हो गई हुई है बहुत ज्यादा। कल तो गया था मैं उनको देखने के लिए, कल भाई इतना नॉर्मल लग रहा था बट रात को दीदी कॉल कर रहे थे, दीदी बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है, कम से कम आप मेरे को दिखा भाई, हम डॉक्टर के पास तो नहीं जा रहे अभी। बोलते हैं कि जब आपका मसल क्रैम्प हो जाता मतलब पाँव उल्टा पड़ जाता ना तो फिर भाई किसी से चिढ़वाना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा बहुत ना वो उनको टेक्निक होती है यार, वो अपने टेक्निक से ना उसे पुश करते हैं और देन वो ठीक हो जाता है। क्योंकि डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों ने क्या करना भाई, डॉक्टर ने एक्सरे करना और दवाइयां देनी है, दवाई से इतनी जल्दी फर्क नहीं होता जितनी जल्दी वो ठीक कर देते हैं। मैंने तभी अपनी बाइक निकाली है, अभी मैं जा रहा हूँ दीदी के घर पे एंड दीदी को लेके जाऊंगा भाई, जिधर मेरे को पापा ने बोला उधर लेके जाऊंगा, वहां पे देखते हैं कि भाई पाँव ठीक होता है कि नहीं होता एंड आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे वो ठीक करते हैं। कभी कभी ना अपना वेट पड़ जाता अपने पे एंड उसकी वजह से पाँव उल्टा पड़ जाता है यार हमारा। इसने साइड नहीं देनी मेरे को और मैं साइड लेके छोड़ूंगा, ठीक है, ये गलत बात है यार, मोड़ में साइड देना ये गलत बात है, ठीक है। एंड काफी दिनों के बाद भाई अपनी डेवल निकाली है, लगभग मेरे को एक मंथ हो गया, एक मंथ के बाद अपनी डेवल निकाली है एंड मेरा ब्लॉग करने का अब मन कर रहा है यार। मेरा पहले ब्लॉग करने का मन तो करता था बट पहले ना बहुत ज्यादा गर्मी होती थी, मैं निकलता नहीं था यार, अब थोड़ी गर्मी शांत हुई है। हाँ ये है कि गर्मी तो बहुत होती है, दोपहर को 12 से लेकर ना 3 बजे तक बहुत ज्यादा गर्मी होती है एंड रात को भी मौसम ठीक हो जाता है और मौसम सुबह भी ठीक रहता है। सुबह सुबह तो भाई मैं डेली उठता हूँ, आज के दिन मैंने मस्ती करी है बट नहीं तो आपका भाई भाई सुबह डेली उठता है, डेली का रूटीन बहुत अच्छा मेरा भाई, ठीक है, मैंने इतना अच्छा रूटीन बना दिया हो ना, अब से मॉर्निंग में उठता हूँ अपने जितने भी काम है ना। अभी क्या बज रहे हैं भाई, 12:30 हुआ ना, तो भाई 12:30 बजे तक ना मतलब अभी तो मैं उठा हूँ, आज लेट उठा हूँ, आज मॉर्निंग में नहीं था उठा, बट अगर आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो ना जल्दी तो भाई आपको 12:30 बजे तक ना मैं बोलता हूँ आप आधे से ज्यादा काम कर लोगे अपने, ठीक है। मेरे को पता भाई मैं अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पा रहा और इसका रीजन यार बहुत सारे रीजन है यार, आपको ब्लॉग्स में पता लगता रहेगा कि क्या क्या रीजन है क्या क्या नहीं, चाचा जी कहाँ आ रहे हैं, बस थोड़ा बहुत आपको पता लग जाएगा कि किस वजह से मैं थोड़ा लेट ब्लॉग कर रहा हूँ। ये देखो दीदी के पाँव में लगी है यार, दीदी ने लिफाफा बांध के रखा हुआ है, पाँव ना नरम रहे। फोन क्यों ही फोन नहीं देना, आप भी सुन लो, आपके बच्चे भी आपसे फोन मांगते हैं तो फोन नहीं देना उनको, ठीक है भाई, फोन दे दोगे ना इनको ये पढ़ते नहीं है, इसलिए फोन नहीं मिलेगा तो ये सो तो जाएंगे ना रेस्ट करेंगे। सो गाइस आज ना धूप है यार बड़ी ज्यादा, आज गर्मी भी है एंड 2-3 दिन से बारिश नहीं हुई, जिस दिन ना ज्यादा धूप होती है उसी दिन बारिश होती है और 2 दिन से इतनी ज्यादा धूप है, क्या पता आज रात तक बारिश आ जाए, आज नहीं तो मैं भी कल तक, खानी भी चाहिए यार, इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अभी तो मेरी लाइफ इतनी ज्यादा बोरिंग है ना भाई, आप सब बोर हो जाओगे, इसीलिए भाई मैं डेली ब्लॉग करता नहीं हूँ यार, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है यार, अभी इंटरेस्टेड नहीं है मेरी लाइफ, जब होगी तब भाई डेली ब्लॉग करूंगा, अभी नहीं कर पाऊंगा यार। हम थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना जब घर पे तो घर वालों की कॉल आ जाती है यार, इस टाइम डर है यार, खासकर J&K में। नहीं तो सोच रहा था कैंपिंग करने जाऊं बट कैंपिंग भी इस टाइम पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी टाइम निकाल के जाएंगे यार, देखते हैं यार, अभी 1-2 लड़के और होने चाहिए ना कैंपिंग के लिए, नहीं तो भाई रात को अकेला बंदा सर्वाइव नहीं कर सकता, 1-2 और हो तो फिर तो भाई जागे जागे भी रात निकल जाती है। Oh
अभी हम पहुंच गए बाजामाई और ये रही बाजामाई की सिटी। एंड पापा ने मेरे को बताया था कि थोड़ा सा आगे जाओगे तो आगे से आपको राइट टर्न करना है। थोड़ा बहुत तो मेरे को याद है यार, दुकान से टर्न होगा। दुकान है वो दुकान तो नहीं है, ये नहीं है, हाँ यहाँ से, क्योंकि पापा के साथ मैं आया हूँ ना एक बार, तो चीजें भूलती तो नहीं है बट कभी कभी भूल जाती है यार। हाँ भाई पहुंच गए हम, यही था, यहाँ लगाते हैं हम बाइक। छोका रास्ता तो उधर वाली साइड से भी था शायद यार, बट वहाँ पे ना बाइक नहीं आती यार, घर तो यही है। कोई कुत्ता छुत्ता ना रखा हो घर पे? नहीं नहीं, खिंचना तो पौना गया है, अभी होगी दीदी को दर्द है। एंड देखना कैसे कैसे ठीक होता है ये। मोच लगी दी है ना, सो गाइस बस इतना ही काम था यार। एंड अगर फ्रैक्चर हुआ होता ना या डिसलोकेट हुई होती तो भाई चलने नहीं होता, ठीक है। ये क्रैम पड़ा था छोटा सा और हमें टेक्निक पता नहीं होती, इनको भाई टेक्निक के बारे में पता होता और देखा कैसे कैसे इन्होंने ठीक करा। अभी हम जा रहे हैं वापस घर को। A few moments later. भाई किसी तरह ना जुलाई का महीना निकल जाए ना, और इसी महीने में सबसे ज्यादा गर्मी है यार। अगस्त के महीने में गर्मी तो होती है बट अगस्त के महीने में आप आगे पीछे जा तो सकते हो ना, हवा तो लगती है ना यार। जुलाई के महीने में कहीं दिख रहे हैं आपको पत्ते हिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हिल रहे यार, बिकॉज हवा ही नहीं है यार। तभी मेरे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं आ रहे भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है यार। भाई बोलते हैं ना गिव अप नहीं करना, बाकी आप लगे रहो, एक दिन भाई कंटिन्यू भी हो जाएंगे। बट अभी का क्या, अभी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने देना, अभी अपने आप को ना मोटिवेट रखना भाई। दुनिया जो मर्जी बोले, आपको अपना काम करते रहना। अभी तो नहीं निकलूंगा आगे, एंड अभी निकलूंगा। ओ चाचा मुझे जाने दे आगे। केवी स्कूल लगे हुए है, ये तो बड़ा गलत हो रहा भाई इनके साथ। इस टाइम तो सभी बच्चों को पड़ी हुई है एंड ये स्कूल आ रहे हैं। एंड भाई इनको जब छुट्टियां पड़ती है ना तब भाई ठंड का मौसम होता है, जब इनकी छुट्टियां खत्म हो जाती है ना तब तो भाई गर्मियां स्टार्ट होती हैं। होप करता हूं दोस्तों आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई चैनल में जो अभी नया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए भाई धन्यवाद, जय श्री राम सबको।